हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे हम उत्तर प्रदेश संबंधित जो जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके बारे में तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है हमारा ऑप्शन है ए e, इलाहाबाद बी मथुरा सी अलीगढ़ और डी ए सारनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सारनाथ आगे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है हमारा ऑप्शन है ए राज्यपाल को बी राष्ट्रपति को सी मुख्यमंत्री को और डी है किसी को नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राज्यपाल को उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार है हमारा ऑप्शन है ए एक बी चतुस्तरीय सी त्रिस्तरीय चतु और डी है द्विस्त्री इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी त्रिस्तरीय गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे हमारा ऑप्शन ए मथुरा बी कौशाम्बी सी प्रयाग और डी है सभी इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सभी जिसमें हमारा मथुरा कौशाम्बी और प्रयागराज तीनों हैं बौद्ध धर्म की व्रजयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ है हमारा ऑप्शन ए बुंदेलखंड बी सारनाथ सी इलाहाबाद और डी है मथुरा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सारनाथ किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया हमारा ऑप्शन ए 1937, बी 1935, सी अठारह और डी ए उन्नीस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1937 में रखा गया था उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था हमारा ऑप्शन ए महात्मा गांधी बी चौधरी चरण सिंह सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी ए पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है हमारा ऑप्शन ए इलाहाबाद बी गोरखपुर सी कौशाम्बी और डी ए सारनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सारनाथ में उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है हमारा ऑप्शन ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी काल और डी ए काल इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी काल उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है हमारा ऑप्शन ए कनिष्क बी समुद्रगुप्त सी अशोक और डी है बिंदुसार इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कनिष्क उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है हमारा ऑप्शन ए बरेली बी इलाहाबाद सी आगरा और डी है सहारनपुर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आगरा आगरा में दिया सलाई बनाने की कारखाना नहीं है बाकी जगहों पे दी बनाने की कारखाने स्थित हैं उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है हमारा ऑप्शन ए लखनऊ बी हाथरस सी कानपुर और डी ए गाजियाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए लखनऊ में सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है हमारा ऑप्शन ए लखनऊ में बी गाजियाबाद में सी वाराणसी में और डी ए कानपुर में इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कानपुर में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है हमारा ऑप्शन ए देवगढ़ बी कुशीनगर सी वाराणसी और डी ए सोरू इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए देवगढ़ में ये आप देख सकते हैं दशावतार मंदिर इसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य में से कौन सा है हमारा ऑप्शन ए छपेली बी नौटंकी सी कर्मा और डी है चौन इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नौटंकी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था हमारा ऑप्शन है ए रानी लक्ष्मीबाई बी कुंवर सिंह सी नाना साहब और डी ए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश में तामा किस जिले में पाया जाता है हमारा ऑप्शन ए मिर्जापुर बी बादा सी हमीरपुर डी है ललितपुर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ललितपुर ललितपुर ज़िले में तावा पाया जाता है उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है हमारा ऑप्शन ए बाईस प्रतिशत बी पंद्रह प्रतिशत सी सत्रह प्रतिशत और डी है उन्नीस प्रतिशत इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बाईस प्रतिशत उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन राज्यों में कौन सा स्थान है हमारा ऑप्शन ए प्रथम बी द्वितीय सी चतुर्थ और डी ए पंचम इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी द्वितीय भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है हमारा ऑप्शन ए प्रथम बी द्वितीय सी चतुर्थ और डी ए पंचम इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए प्रथम उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है हमारा ऑप्शन ए ऊपरी नहर बी शारदा नहर सी A, B, C, आगरा नहर और डी है निचली नहर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी शारदा नगर उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मी बांध परियोजना किस नदी पर है हमारा ऑप्शन ए रामगंगा बी भागीरथी सी बेतवा और डी है इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बेतवा उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है हमारा ऑप्शन ए पच्चीस प्रतिशत बी तीस प्रतिशत सी चालीस प्रतिशत और डी है पचास प्रतिशत इसका हमारा ऑप्शन बी तीस प्रतिशत उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई हमारा ऑप्शन ए उन्नीस बी अठारह सी उन्नीस और डी ए उन्नीस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उन्नीस में अंतिम क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है हमारा ऑप्शन ए प्रथम बी द्वितीय सी तृतीय और डी है चतुर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी द्वितीय स्थान है तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद